बालदीन पाल बेसिस से समिति जिला अध्यक्ष जी। आज आप जो ज्ञापन दे रहे हैं जी दे रहे हैं और किन मांगों को लेकर? हम अपनी ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के लिए दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। हम विद्यालय वालों की मांग है कि हम विद्यालय जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं सरकार जो है इस पर जो है पंचायत कर लगा रही है, उस पंचायत कर के खिलाफ हम लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि सरकार जो हम विद्यालय चलाते हैं वो विद्यालय हम जो है समिति के द्वारा चलाते हैं। समिति लाभ की श्रेणी में नहीं आती है, व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए हम पे व्यावसायिक कर जो लगाया जा रहा है इसके खिलाफ हम लोग जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। विशेष शिक्षा समिति का आज का जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री को संबोधित है, जिसमें विद्यालयों के खिलाफ जो वैभव कर लगाया है और शासनादेश जो दिया है उसके खिलाफ हम सभी साथी बरेली जनपद से इकट्ठे हुए हैं, आंदोलन करेंगे। सरकार को पहले ज्ञापन दे रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं उनको सरकार वापस ले, यही हम लोगों की मांग है। पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। और मांग क्या है आपके शासनादेश? शासनादेश जो 11 जनवरी 2019 का है, जिसमें उन्होंने दो चीज़ों की छूट दी है। हम चाहते हैं कि जो पहले से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन्हें पूरी छूट दी जाए, और जो शासन ने जो नया अभी शिक्षा नीति लागू की है उसमें प्री नर्सरी से हम सभी कक्षा एक से जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको भी प्री नर्सरी से आगे मान्यता दे दी जाए। जी जी, 2000 जनवरी 2019 में शासन आदेश आया था जिसमें उनकी बहुत सारी मांगें थीं, जिसमें 180 वर्ग फुट कमरा होना चाहिए और हमारे अग्निशमन यंत्र के द्वारा से हमको अनापत्रि पत्र भी हमें लेना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी मांगें थी जो स्कूल संचालकों के लिए पूरा करना बड़ा मुश्किल था, और अब ये टैक्स का भी हमारे स्कूलों के खिलाफ में ये बातें हो रही हैं। तो हम लोगों ने विधायक जी के द्वारा एक पत्र हम लोगों ने तैयार किया, जो कि हम मुख्यमंत्री को हम ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं, और हमारे माननीय जिला अधिकारी की तरफ से हम ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं। जी जी जी, समस्याओं काफ़ी हम इससे पहले भी हम लोगों ने दिया गया था बहुत सारी, उसमें भी हम लोगों ने समस्याओं को जिक्र किया था, उनको ज्ञापन दिया गया था। हम विश्वास करते हैं कि सरकार हमारी तरफ से स्कूलों के हित की तरफ से वो हमारा फेवर करेंगे।